तो फ्रेंड, आज आपके नीरू किचन में बन रहा है झटपट बन जाने वाला गाजर का हलवा। देखिए, ना इसको घिसना है, ना इसको और को इसमें कोई मेहनत करनी है, और ये फटाफट बन के तैयार हो जाता है। तो हमने 1 किलो ये गाजर लिया, इसको हमने धुल लिया था एक बार। अब इसके हम छिलके को ऊपर से उतार देंगे। आप किसी भी चाकू से या फिर ऐसे छिलनी से, किसी चीज़ से भी ऐसे पतले पतले इसके छिलके को उतारिएगा, क्योंकि पता है ये गाजर अंदर मिट्टी के अंदर पाया जाता है, तो इसमें मिट्टी चाहे जितना भी साफ कर लो, अगर छिलके नहीं उतारते हो ना, तो उतना अच्छे से साफ होता नहीं है, तो हलवे में वो थोड़ा सा किरकिरीपन रह ही जाता है। तो देखिए, मैंने छील लिया है, दोनों तरफ से इसके कट कर लिया है और ले लिया है। ये लाल लाल गाजर मैंने लिया है, अच्छे एकदम पतली है ना, मोटी है। आप देख करके मार्केट से ले लीजिएगा। इस टाइम तो ठंडियों में गाजर बहुत ही अच्छे अच्छे से आ रही हैं, और फटाफट इस हलवा को बनाइएगा। देखिए, ऐसे ही आपको छिलना, इसमें कुछ करना ही नहीं है, बहुत कम मेहनत लगता है, बहुत जल्दी बन जाता है, और टेस्टी और फ़ायदेमंद दोनों होता है। तो देखिए, हमने इसको भी छील लिया है, इसके आगे पीछे के पार्ट को अलग कर दिया है, मैंने फिर ले लिया ऐसे करके। मैं सारे गाजरों को साफ कर लूँगी, पहले इसको पील अप कर लूँगी, इसके सारे छिलके उतार दूँगी। तो आप भी फटाफट गाजर लाइए और हलवा बनाइए। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपना खूब सारा प्यार दीजिए दोस्तों। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है दोस्तों, तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, मैंने ऐसे से करके सारे गाजर को देखिए साफ कर लिया है, फिर से मैंने दोबारा इसको धुल लिया है। धुल करके मैंने ये दूसरे प्लेट में ले लिया है। देखिए, मेरी गाजर एकदम फ्रेश, एकदम साफ़ सुथरी हो गई है। अब हमें करना क्या है, फटाफट इसको हम कट कर लेते हैं, छोटे पीस में, बड़े पीस में, चाहे जैसे जैसे आपको समझ में आए, जैसे आप कट कर सकते हो, जल्दी जल्दी कट कर लीजिए सारे गाजर को। देखिए, आपको मैं बड़े बड़े पीसेज में भी कट करके बता रही हूँ, छोटे पीसेज में भी बताऊँगी, चाहे जैसे आपको उचित समझे, आप जैसे आपको सही लगे कट करने में, हाथों को बचाते हुए चाकू से अच्छे से अपने गाजर को सारे ऐसे आप कट कर लेना। तो इस तरह से हम हलवा बनाते हैं ना, तो समय बिल्कुल भी नहीं लगता है, और हम हफ्ते में 2-3 बार बना लेते हैं। और वो घिसने वाला जब हलवा बनता है ना, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसलिए हम लोग बनाना भी इग्नोर कर देते हैं। देखिए, मैंने अपने गाजर को, देखिए अब ये छोटे छोटे पीसेज भी मैंने कट कर लिया है, ऐसे आप कट कर लीजिएगा सारे गाजर को। पता है दोस्तों, इस तरीके से अगर आप बनाओगे तो भी आपको घिसने वाला जो गाजर का हलवा बनता है ना, सेम वैसे ही स्वाद आएगा। एकदम मेरे तरीके से बनाइएगा, वैसे ही आपको एकदम भुना भुना सा हलवे का स्वाद मिलेगा। अब लेना है आपको एक कुकर, कुकर में इस कटे हुए गाजर को ट्रांसफ़र करना है, इसमें कुकर में रखना है, और हमें फटाफट 1-2 सीटी लगा लेनी है। जितना आपका गाजर का मात्रा रहे, उस हिसाब से आपकी पक जाए आपका गाजर। बहुत ना हमको बहुत ऐसा है हलवा जैसे बनाना है, ये ना बहुत ज़्यादा कि मतलब पका रहे, बस ये समझ लीजिए। सारे गाजर को हम कुकर में डाल देते हैं। देखिए, फिर हम उसमें थोड़ा सा 1 कप करीब, छोटे कप से 1 कप करीब दूध डाल दे रहे हैं पकने के लिए, बस और कुछ भी नहीं करना है। देखिए, 1 कप ही मैंने डाला है, छोटा कप से, मैंने जो चाय वाली कप होती है उससे मैंने 1 कप इसमें दूध डाल दिया है। लीड को बंद करते हैं, गैस पे चढ़ा देते हैं और फटाफट इसमें 2 सीटी लगा लेते हैं। एक कढ़ाई मैंने ली है, उधर मेरा गाजर हो चुका था, मैंने उसको उतार कर रख दिया। जब तक उसकी लीड खुलेगी, मैंने एक कढ़ाई ले लिया, उसको गैस पे मैंने चढ़ा के उसमें देसी घी मैं डाल रही हूँ। तो देसी घी आपको 4 चम्मच के करीब डालना है, 4 टेबल स्पून आपको देसी घी डालना है। थोड़ी सी इलायची मैं ऐसे ही छील के डाल दे रही हूँ, आप पीस के भी डाल सकते हो। और ये देखिए, मेरा गाजर देखिए एकदम पक के कैसा हो गया, देख लीजिए। और जो दूध में डाली थी ना, ये जो थोड़ा फुटफुटा स्वाद आ रहा है ना, देखने में लग रहा है ना फटाफटा सा दूध, ये गाजर के हलवे में बहुत अच्छा स्वाद देता है। अब घी का मेरा गर्म हो चुका था, तो मैंने उसमें डाल दिया है अपना बॉयल किया हुआ गाजर। बस देख रहे हैं, फटाफट कढ़ाई में हम कर देंगे कुकर से ट्रांसफ़र। ये देखिए, सारे गाजर को हम कुकर से निकाल करके कढ़ाई में डाल दे रहे हैं, और अब इसको अच्छे से घी में थोड़ी देर भूनेंगे। तो भूनने पे वो हमारा भूनने वाला भी स्वाद आ जाएगा, और गाजर तो पक ही चुका है। गाजर जब पक चुका है तो ज़्यादा टाइम तो हलवे बनने में लगना ही नहीं है, बस फटाफट आप इसको हम भूनते हैं। ये देखिए, ऐसे फटाफट आप चलाते हुए इसको भून लीजिए। अब हम इसको कर देंगे मैश, तो हम इसको मैश करेंगे इसकी मदद से।
तो ऐसे दबा दबा के आप सारे गाजर को अपने मैश कर दीजिए। हो गया ना एकदम कद्दूकश वाला हलवा बन के तैयार। तो ऐसे आप मैश कर देना और टाइम भी नहीं लगेगा, समय की भी बचत होगी, मेहनत की भी बचत होगी और हलवा का सेम टेस्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो फटाफट मैंने उसको कर दिया अपने गाजर को मैश। ये देखिए सारे गाजर को ऐसे अच्छे से मैश कर दीजिएगा कि जो अच्छे से मतलब सारे गाजर मेरे बढ़िया सा एकदम मैश हो जाए, ऐसा ना रहे कि कुछ खड़ा खड़ा सा रहेगा ना तो मुंह में खाने में जब आएगा तो अच्छा नहीं लगता है, इस तरह इसलिए मैश करना ज़रूरी होता है। बस देखिए मेरे गाजर सारे मैश हो चुके हैं। अब मैं इनको थोड़ी देर भून लूँगी। भूनने से ये घी में मतलब पानी तो इनका सारा ख़त्म हो चुका है, अब मैं इनको थोड़ी सी भून ले रही हूँ ना। देखिए मैंने भून लिया है तो ये अच्छे से इसमें ब्राउन ब्राउन थोड़ा हो जाएगा और उसमें खूब अच्छे से खुशबू आने लगता है। तो जब आप पहले इसको ऐसे ही भून लीजिएगा थोड़ी देर, मतलब ये एक दो मिनट के करीब इसको पहले भून लीजिएगा। उसके बाद इसमें डालेंगे हम दूध। दूध मैंने 1 किलो डाला है, 1 किलो मैंने गाजर का हलवा लिया, गाजर लिया था, 1 किलो मैंने दूध डाला है इसमें। आप चाहें तो दूध की मात्रा कम हो तो कम भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि दूध ज़्यादा डालने से थोड़ा सा खोए का स्वाद ज़्यादा लगता है। अब दूध के साथ इसको थोड़ा सा हम तेज़ आँच पर पकाएंगे। अगर आप तेज़ आँच पर पका रहे हो तो ध्यान दीजिएगा कि चलाते रहना है, नहीं तो कढ़ाई कितनी भी आपकी, मेरी कढ़ाई देखिए मोटी तलवे की है लेकिन फिर भी लगने लगता है। तो अगर पतली तलवे की कढ़ाई होगी तो और जल्दी लगने लगेगा। अगर आपको जल्दी जल्दी फटाफट बनाना है इसमें तेज़ आँच करके तो आप थोड़ा सा देखिए, मैं चीनी ले रही हूँ, चीनी मैंने लिया है 1 कप भर के। और अगर आपको अंदाजे के हिसाब से मैं बता दूं तो 300 ग्राम के करीब चीनी आपको डालना है। तो देखिए ये हम चीनी इसमें डाल दिए थे, दूध क्योंकि हमारा थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा मेल्ट हो चुका था, थोड़ा थोड़ा ही दूध बचा था, अब इसमें हम डाल दिए हैं चीनी। और चीनी डाल के इसको मिला देंगे। तो जब मिलाएंगे तो देखिए चीनी हमारी गलनी शुरू हो गई और हमारा हलवा फिर से पानी पानी सा हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, हम चलाते रहेंगे और हलवा फिर से हम सुखा देंगे। तो देखिए हमारी चीनी और दूध हलवे में अच्छे से मिक्स होने लगे हैं, हलवा हमारा एकदम बनने की कगार पे है, मतलब रेडी होने वाला है। तो देखिए ऐसे ही आप चलाते हुए अपने हलवा को थोड़ा सा ऐसे चलाते रहेंगे तो चीनी का पानी रहेगा वो भी जल जाएगा और हलवा एकदम रेडी हो जाएगा। बस थोड़ी से 2 मिनट बाकी हुए तो मैंने थोड़ा सा बादाम और काजू कट करके रखा था तो उसको भी मैं डाल दे रही हूँ इसमें। ड्राई फ्रूट देखिए, कटे हुए ड्राई फ्रूट मैं इसमें डाल दे रही हूँ और थोड़ा सा और भूनूंगी और हलवा हमारा बन के रेडी हो जाएगा। क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और टाइट हो जाएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइट करके इसको उतारने की ज़रूरत नहीं है। बस हलवा हमारा जिस तरीके से हम हलवा पसंद करते हैं उस तरीके से एकदम बन के रेडी हो चुका है। देखिए तो दोस्तों आप लोग भी गाजर का हलवा मेरे बताए हुए तरीके से बनाइएगा और अगर मेरा तरीका आपको पसंद आए तो मुझे लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। और मेरे पुराने सब जो भी सब्सक्राइबर हैं वो मुझे कमेंट करें। देखिए मैं एक प्लेट ली हूँ, आप प्लेट की जगह पे बाउल भी ले सकते हो, किसी भी बर्तन में आप निकाल सकते हो। प्लेट पे मैंने हलवा को सारे ने अपने मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी जितना हलवा प्लेट में आएगा। देख रहे हैं हलवा जिस तरीके जितना हलवा गाढ़ा मोटा होना है मैंने उतना कर लिया है। ठंडा होने के बाद थोड़ा सा ये और टाइट हो जाएगा क्योंकि इसमें घी और दूध ये सब चीज़ें सूख जाती है। और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट मैंने इसमें गार्निश कर दिया है। हलवा मेरा बन के एकदम रेडी हो गया है। कोई बता सकता है कि ये बिना घी से बिना कद्दूकस किए हुए हलवा बना हुआ है? देख रहे हैं बहुत अच्छा सा हलवा बन के मेरा एकदम रेडी हुआ, टेस्ट भी दोस्तों बहुत अच्छा बना है। तो आप मेरे बताए हुए तरीके से फटाफट हलवा बनाइए और अपने घर में सबको सर्व करिए। तो दोस्तों देखिए ये हलवा हमारा एकदम रेडी हो चुका है, देख रहे हैं। तो ना आपको कद्दूकस करने की ज़रूरत है ना कुछ करने की ज़रूरत, फटाफट ये हलवा बनता है और जल्द फटाफट इसको कुकर में रखिएगा तो 2 मिनट में बनके तैयार हो जाता है। तो दोस्तों मैं मिलती हूँ नए रेसिपी के साथ। बाय।